इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार दोस्तों, इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। पेश है ओशो का एक बहुत ही खूबसूरत प्रवचन जो बुद्धत्व के बारे में है। किसने प्रश्न किया, मैं निश्चित ही बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं उपलब्ध हो भी जाता हूँ तो इससे बाकी संसार को क्या फर्क पड़ेगा। ओशो कहते हैं, लेकिन तुम बाकी संसार की चिंता क्यों करते हो? संसार को अपनी चिंता स्वयं करने दो। और तुम्हें इसकी चिंता नहीं है कि यदि तुम अज्ञानी रह गए तो बाकी संसार का क्या होगा? क्या तब तुम्हारी चिंता संसार करेगा? यदि तुम अज्ञानी रह गए तो बाकी संसार का क्या होता है? तुम दुख पैदा करते हो, ऐसा नहीं कि तुम जानबूझकर कर रहे हो, पर तुम ही दुख हो। तुम जो भी करो सबोर दुख के ही बीज बोते हो। तुम्हारी आकांक्षा व्यर्थ है, तुम्हारा होना महत्वपूर्ण है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों की सहायता कर रहे हो, पर तुम बाधा ही डालते हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से प्रेम करते हो, पर शायद तुम उनकी हत्या ही कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों को कुछ सिखा रहे हो, पर हो सकता है तुम सदा अज्ञानी ही बने रहने में उनकी मदद कर रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो, तुम जो सोचते हो, तुम आकांक्षा करते हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम क्या हो यह महत्वपूर्ण ज्यादा है। प्रतिदिन मैं लोगों को देखता हूं जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन वे मार रहे हैं एक दूसरे को। वे सोचते हैं कि वे प्रेम कर रहे हैं, वे सोचते हैं वे दूसरे के लिए जी रहे हैं, और उनके बिना उनके परिवार, उनके प्रेमियों, उनके बच्चों, उनकी पत्नियों, उनके पतियों का जीवन दुख से भर जाएगा। लेकिन वे लोग इनके साथ दुखी हैं और वे हर तरह से सुख देने की कोशिश करते हैं, पर वे जो भी करते हैं वह गलत हो जाता है। और ऐसा निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि वे गलत हैं। करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जिस व्यक्ति से वह उठ रहा है वह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अज्ञानी हो तो तुम संसार को नरक बनाने में मदद कर रहे हो। यह पहले ही नरक है, यह तुम्हारी ही निर्मिति है। जहां भी तुम स्पर्श करते हो वहां तुम नरक बना लेते हो। यदि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो तो तुम कुछ भी करो, या तुम्हें कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे होने से ही, तुम्हारी उपस्थिति होने से दूसरे को खिलने में, सुखी होने में, आनंदित होने में सहायता मिलेगी। सिर्फ तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, कुछ करना नहीं है। लेकिन उसकी चिंता तुम्हें नहीं लेनी है। पहली बात तो यह है कि बुद्धत्व को कैसे उपलब्ध होना है। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता हूं, लेकिन यह चाह बड़ी नपुंसक मालूम होती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद तुम कहते हो लेकिन। जब भी लेकिन बीच में आ जाता है तो उसका अर्थ है अभीप्सा नपुंसक है। लेकिन संसार का क्या होगा? तुम हो कौन? अपने बारे में तुमने सोच क्या रखा है? क्या संसार तुम पर निर्भर है? तुम इसको चला रहे हो? तुम इसकी देखभाल कर रहे हो? तुम इसके लिए उत्तरदायी होगे? तुम स्वयं को इतना महत्व क्यों देते हो भाई? इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हो अपने आप को कि तुम नहीं रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? यह जो भाव है अहंकार का हिस्सा है, और दूसरों की यह चिंता तुम्हें कभी भी अनुभव के शिखर पर नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि वह शिखर तभी उपलब्ध होता है जब तुम सब चिंताएं छोड़ देते हो और तुम चिंताएं इकट्ठी करने में इतने कुशल हो कि बस अद्भुत हो। अपनी ही नहीं दूसरों की भी चिंताएं इकट्ठी किए चले जाते हो, जैसे कि तुम्हारी अपनी चिंता पर्याप्त नहीं है। तुम दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, और तुम क्या कर सकते हो? तुम बस अधिक चिंतित और पागल हो सकते हो। इस विषय में तुम एकदम गफलत में हो। मैं एक वायसराय लॉर्ड वेवेल की डायरी पढ़ रहा था। वह आदमी बड़ा ईमानदार मालूम होता है, क्योंकि उसके कई वक्तव्य बहुत अद्भुत हैं। एक वक्तव्य में वह कहता है, जब तक ये तीन बड़े गांधी, जिन्ना और चर्चिल नहीं मर जाते तब तक भारत मुसीबत में ही रहेगा। और ये तीन लोग
गांधी जिन्ना और चर्चिल, और ये ही हर तरह से मदद कर रहे थे। चर्चिल का अपना वायसराय लिखता है कि इन तीन लोगों को जल्दी मर जाना चाहिए, और बड़ी आशा से वह उनकी उम्र भी लिखता है, गांधी जिन्ना और चर्चिल, क्योंकि यही तीन समस्याएं हैं। क्या तुम गांधी जी के बारे में यह कल्पना कर सकते हो कि वे ही समस्या हो सकते हैं, या जिन्ना के बारे में तुम ऐसा सोच सकते हो, या चर्चिल के बारे में? तीनों ही इस देश की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और वेबेल कहता है कि यही तीनों समस्याएं हैं, क्योंकि ये तीनों ही बड़े हठी हैं, बड़े जिद्दी हैं, और तीनों में से हर एक के पास पूरा का पूरा सत्य है, बाकी दोनों को बिल्कुल गलत समझते हैं। ये तीनों कहीं नहीं मिल सकते, बाकी दो बस गलत हैं, मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हर कोई यही सोचता है कि जैसे वही केंद्र है और उसे ही पूरे संसार की चिंता करनी है, और पूरे संसार को वही बदलना चाहता है कि आदर्श संसार उसको बनाना है। बस तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम स्वयं को बदल सकते हो, तुम स्वयं को बदल लो, तुम संसार को नहीं बदल सकते। इसे बदलने के चक्कर में तुम और गड़बड़ ही कर सकते हो, और अराजकता बढ़ा सकते हो, और सिर्फ दूसरों को जो पहुंचाओगे वह सिर्फ हानि ही हो सकती है, और खुद परेशान हो सकते हो। पहले ही संसार इतना परेशान है, और तुम उसकी परेशानी बढ़ा दोगे, उसकी उलझन तुम और बढ़ा दोगे। तो संसार को कृपा करके उसके हाल पर ही छोड़ दो। तुम बस एक ही बात कर सकते हो, और वह यह है कि आंतरिक मौन, आंतरिक आनंद, तारिक प्रकाश को तुम उपलब्ध हो जाओ। यदि तुम यह उपलब्ध कर लो तो तुमने संसार की बहुत बड़ी सहायता कर दी। अज्ञान के केवल एक बिंदु को प्रकाश की लौ में बदलकर, केवल एक व्यक्ति के अंधकार को प्रकाश में बदलकर, तुमने संसार के एक हिस्से को बदल दिया, और उस बदले हुए हिस्से से बात आगे बढ़ेगी। बुद्ध अभी मरे नहीं हैं, जीसस अभी जिंदा हैं। वे मर नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक श्रृंखला चलती है, ज्योति से ज्योति जले, फिर एक उत्तराधिकारी पैदा होता है, और यह क्रम आगे चलता रहता है, और वे सदा जीवित रहते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत ओशो का प्रवचन तंत्र सूत्र से लिया गया है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी कोशिश रहती है कि ओशो के जो आज के दौर में प्रासंगिक प्रवचन हैं वो आपके सामने पेश करूं। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।